वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने चैनल झंडी ट्यूटर में। जैसे कि आपको पता है PST और JEST में जॉब्स आ चुकी हैं और उसमें आपने अप्लाई भी किया होगा, तो इंशाल्लाह उस हवाले से ये मेरी पहली वीडियो है और मैंने ये सिलसिला अभी शुरू किया है। और इसमें मैंने ये सिस्टम बनाया है कि हर एक सब्जेक्ट के 1 से लेकर मेट्रिक क्लास तक मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं और इंशाल्लाह वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 1 क्लास है और ये सारे मैंने जो भी बनाए हैं वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से बुक्स को मैं खुद स्टडी करके भी बनाए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो सब्जेक्ट उठाया है वो है हमारा SSGK, मतलब पहले जो 2 क्लास है उसको इन्होंने GK में चलाया, उसके बाद इन्होंने SS और PS में चलाया। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें पहला है कि कुरान इज़ होली बुक ऑफ अल्लाह। कुरान अल्लाह पाक का एक पाक किताब है। बाइबल इंजील इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चन। बाइबल इंजील जो ईसाइयों का होली बुक है और ये हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुआ। ज़बूर इज़ द होली बुक ऑफ ज्यूज, हज़रत दाऊद अलैहि सलाम। ज़बूर जो है होली बुक है यहूदियों का, जो हज़रत दाऊद अलैहि सलाम पर नाज़िल हुआ। उसके बाद तौरात इज़ आल्सो होली बुक ऑफ ज्यूज, तौरात जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुआ वो भी यहूदियों का जो है होली बुक है। उसके बाद है क्रिश्चियन प्रे इन चर्च, जो ईसाई हैं वो इबादत करते हैं चर्च में। हिंदू प्रे इन टेंपल, हिंदू मंदिर में इबादत करते हैं। ज्यू प्रे इन साइनागोज, जो यहूदी हैं वो इनका जहाँ इबादत करते हैं उसको साइनागोज कहा जाता है। अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड एंड वाटर, जो हमारी कायनात है उसको ज़मीन है जो हमारी उसको कवर किया गया है ज़मीन से और वाटर से। कलर्ड द लैंड मार्क्ड एल, जो ज़मीनी शिकल है उसको ग्रीन कलर में मार्क किया गया है। और कलर्ड द वाटर मार्क्ड W, और जो वाटर है उसको ब्लू कलर में मार्क किया गया, जो आपने अक्सर नक्शों में देखा होगा, ठीक है। उसके बाद है रैबिट होम कॉल्ड बोरोस इन ग्राउंड्स, जो इसका हम जो रैबिट का घर होता है उसको बोरोस कहते हैं और वो ज़मीन के अंदर होता है। उस वाइल्ड एनिमल मींस दे लिव इन जंगल, वाइल्ड एनिमल का मतलब है कि वो ज़मीन के अंदर वो जंगली जानवर होते हैं। द शिप्स सेल इन द सी, जो हमारी बहरी जहाज होते हैं वो समंदर के अंदर चलते हैं। दे सेल फ्राम द डक एट द हार्बर, और वो एक बंदरगाह पे आके रुकते हैं। और जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू, हमारी जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह आगे इससे और भी बेहतर करके मैं वीडियो पेश करूंगा, लेकिन मैं अपनी राइटिंग के लिए आप सबसे माजरत करता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज़।